नागरिकता संशोधन कानून के संसद में पारित होने से हफ्तों बाद कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात का प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस सीएए का विरोध करती है, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस प्रस्ताव पारित कर रही थी, ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक सीएए के समर्थन में बोल रहे थे। कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह ने सीएए का समर्थन करते हुए कहा कि इसे एनआरसी से अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। मंदसौर जिले के सुवासरा सीट से विधायक चुने गए हरदीप सिंह ने कहा कि अगर सीएए और एनआरसी को अलग अलग देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में परेशान शख्स यहाँ सुविधाएं पाता है। हरदीप सिंह ने साफ किया कि पूरी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है कि लोग सीएए और एनआरसी को जोड़कर देख रहे हैं। हरदीप सिंह के अलावा बीएसपी के विधायक भी सीएए का समर्थन कर चुकी हैं। अब पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाने वाले हरदीप सिंह का कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कमलनाथ सरकार वैसे ही निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चल रही है। अगर इसी तरह एक दो और विधायक विरोध में उठ खड़े हुए तो कांग्रेस के लिए कमलनाथ सरकार को बचा पाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल क्या गए? कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी की सियासत उबाल मारने लगी, लेकिन मोदी ने इस सब को दरकिनार कर सीधे सीधे हमला विपक्ष पर बोला। और सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, अखिलेश से लेकर प्रियंका वाड्रा तक, मायावती से लेकर सीताराम येचुरी तक, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने बेलूर मठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि लेने के लिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे जानबूझकर समझना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस कानून के बन जाने के बाद पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि उसने अल्पसंख्यकों पर जुल्म क्यों किए। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून रातों रात नहीं बल्कि सोच विचार कर बनाया गया। बेलूर मठ को अपना घर बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर युवाओं में बड़ी चर्चा है। बहुत से सवाल युवाओं के मन में भर दिए गए हैं। बहुत से युवा अफवाहों का शिकार हुए हैं। ऐसे युवाओं को समझाना और संतुष्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती से मैं बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमने कोई रातों रात कानून नहीं बनाया। पीएम ने कहा कि हमने वही किया जो गांधी जी कहकर गए थे, उन्होंने कहा था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी धर्म का आदमी, नास्तिक भी, जो भारत के संविधान को मानता है, वो तय प्रक्रियाओं के तहत देश की नागरिकता ले सकता है। पीएम ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति का खेल करने वाले इसे समझने को तैयार ही नहीं हैं, वे इसे समझना ही नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की तस्वीर जैसे जैसे बदलती जा रही है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी संकटों में फंसती जा रही है। इसके लिए एक तरफ तो खुद महबूबा जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का पाकिस्तान परस्त रवैया। अब नेताओं को रास नहीं आ रहा, इसलिए वे एक के बाद एक कर पीडीपी से किनारा करने लगे हैं। महबूबा ने विदेशी राजदूतों से मिलने पर अपनी पार्टी के 8 पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला। उसके ठीक 2 दिन बाद पार्टी के 4 नेताओं ने महबूबा को खरी खरी सुनाकर पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। पीडीपी के 4 पूर्व विधायकों दिलावर मीर, मुतज़िर मोहिद्दीन, पीडीपी के राज्य सचिव मीर समी उल्लाह और शौकत गफूर अंद्राबी ने अपना इस्तीफा थमा दिया। महबूबा को लिखे अपने पत्र में अंद्राबी ने कहा कि मैंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के कुशल नेतृत्व में पीडीपी ज्वाइन की थी, जिन्होंने लोगों को जम्मू कश्मीर की राजनीति के परिदृश्य से ऊपर उठकर अनिश्चितता खत्म करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प मुहैया कराया था। अब जब हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने के मामले में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के मुद्दे को सामने रखा है, शौकत गफूर अंद्राबी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वे विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और अल्ताफ बुखारी के साथ जाने में संकोच नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले पीडीपी के कई नेताओं ने अल्ताफ बुखारी का समर्थन किया था, जो आने वाले दिनों में नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। मतलब साफ है कि पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती को छोड़ एक दूसरी पार्टी बनाने की कोशिश में हैं, ताकि प्रदेश को एक नई दिशा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव एनपीआर में रजिस्ट्रेशन न करने का ऐलान किया तो बीजेपी उन पर हमलावर हो गई।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अखिलेश यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे एनपीआर में फॉर्म नहीं भरेंगे तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये मोदी और योगी सरकार का नियम है। एक सभा में अखिलेश यादव ने कहा था कि एनपीआर में अपना नाम नहीं दर्ज करवाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता फॉर्म नहीं भरेगा। नरेंद्र मोदी सरकार को पहले भारत को बचाना चाहिए, इसके बाद वे लोगों की गिनती करें। अखिलेश यादव लगातार एनपीआर और सीएए का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना एक बात है, नागरिकता रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दर्ज करवाना दूसरी बात है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई अपना नाम दर्ज नहीं कराएगा तो जाहिर है कि मतदाता सूची में उसका नाम कैसे होगा और वे कैसे चुनाव का पर्चा भर पाएंगे। संजीव बालियान ने यही बात कहकर एक तरह से अखिलेश यादव की पोल खोली, लेकिन अखिलेश यादव एनपीआर फॉर्म में मांगी जा रही जानकारियों से सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बॉलीवुड के अस्तबल से निकलकर अनुराग कश्यप आखिर क्यों बेचैन हैं? वे इतने बेकरार हैं जितना तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी नहीं हैं। आखिर इस राज से पर्दा उठ ही गया। अनुराग कश्यप किस बात से नाराज हैं? असल में अनुराग कश्यप जैसे लोगों को सीएए से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ माल कमाने से मतलब है। और उनके इसी माल कमाऊ रवैये के चलते मोदी सरकार ने कोई भाव नहीं दिया तो अनुराग कश्यप सीएए का रोना लेकर बैठ गए। अनुराग कश्यप ने एक नहीं कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने उनकी पोल ही खोल कर रख दी। बीजेपी ने अनुराग कश्यप के वे पत्र जारी कर दिए जिसमें उन्होंने योगी सरकार से फिल्म बनाने के लिए फंड की मांग की थी, और जब योगी सरकार ने उन्हें कोई फंड नहीं दिया तो अनाप शनाप करने लगे। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अनुराग कश्यप के वे पत्र जारी कर दिए जिसमें वे सरकारी भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। शलभ मणि ने अनुराग के साथ अखिलेश की सरकार को भी घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ सरकारें अनुराग को फ्लॉप फिल्म्स पर भी यश भारती के पेंशन का शहद भी चटाती थी। योगी जी ने मुफ्त की पेंशन बंद कर दी और पैसे गरीबों, विधवाओं और किसानों में बांट दिए, और इसी बात से चिढ़े थे अनुराग कश्यप। असल में अखिलेश की सरकार यश भारती सम्मान के साथ 50,000 रुपए पेंशन भी देती थी, जिसे यूपी की बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया तो बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने से रोक सके। बीजेपी ने सीएए और एनपीआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के दोहरे चरित्र को खोलकर जनता के सामने रख दिया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस बात की मांग की है कि सीएए को वापस लिया जाए और एनपीआर की प्रक्रिया को रोका जाए। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि सीएए पहले ही प्रभावी हो चुका है और धरती पर कोई भी ताकत इसके लागू होने से इसे नहीं रोक सकती। अपने सभी प्रयासों में भाजपा सीएए और एनपीआर पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव घोषणा पत्र में हिंदू शरणार्थियों के लिए नागरिकता का वादा किया था। कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए राव ने कहा कि राजस्थान और गुजरात में हिंदू शरणार्थियों के लिए नागरिकता को 2005 और 2006 में दो मौकों पर मनमोहन सिंह सरकार ने बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता रूप सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता की मांग भी की थी, और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। बता दें कि इस मामले में राव ने कहा कि एनपीआर पर भी कांग्रेस को ये बात बतानी चाहिए कि 2010 में एनपीआर धर्मनिरपेक्ष और स्वीकार्य क्यों था और यह 2020 में खतरनाक कैसे हो गया। बीजेपी का कहना है कि सीएए और एनपीआर दोनों पर ही कांग्रेस ढोंग कर रही है और कांग्रेस के इस दोगलेपन को पार्टी बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से उलझ कर रह गई हैं। एक तरफ उन पर लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस ने घेरा बनाया तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चौतरफा हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कमाई नहीं होने, सिंडिकेट के नहीं चलने की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बंगाल की सरकार आयुष्मान भारत योजना पीएम किसान निधि के लिए स्वीकृति देगी, यहां के लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 75 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है।
इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं। सिंडिकेट की चलती नहीं तो इन योजनाओं को कौन लागू करेगा? पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की नीति निर्धारकों को भगवान सद्बुद्धि दे, गरीबों की मदद के लिए आयुष्मान और किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के गरीब किसानों को मिले। मतलब कि पीएम मोदी ममता बनर्जी की उस सियासत की हवा खराब कर रहे हैं जिसके सहारे वे पिछले कई सप्ताह से बंगाल में वोट बैंक का खेल खेल रही थी। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस उनसे इसलिए नाराज हैं कि वे पीएम मोदी से मिलने गई थीं। लेफ्ट संगठनों ने ममता बनर्जी पर सीएए के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। लेफ्ट छात्रों ने ममता बनर्जी के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए तो ममता बनर्जी तुरंत सफाई देने के लिए हाजिर हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं बतौर सीएम पीएम से मिलने गई थी, मुझे एक भी ऐसा सीएम दिखाइए जिसने मोदी के मुंह पर सीएए का विरोध किया हो। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और ममता बनर्जी पर जनता से विश्वासघात करने और भगवा खेमे की मदद करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी देर है, लेकिन सीटों के गणित का खेल अभी से शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान चालू है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। सभी अपने आप को इस बार के चुनाव में किंग मेकर समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या महागठबंधन में है। इस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस सहित कई पार्टियों का मेल है, लेकिन सीटों के दावेदारी को लेकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद की आरजेडी ने 243 सीटों में से 150 सीटों पर दावा ठोक दिया है। आरजेडी के विधायकों की माने तो आरजेडी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है, लेकिन सिद्धांत वाली पार्टी साथ आती है तब आरजेडी 150 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी 85 सीटों पर दावा ठोक दिया है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 85 सीटें जीत सकने की स्थिति में है। कांग्रेस भी झारखंड चुनाव परिणाम से उत्साहित होकर महागठबंधन में सीटों को लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस की माने तो बिहार में इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इसलिए कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहरहाल महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लंबा खेल होने वाला है, लेकिन किसको कितनी सीट मिलती है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, ये चुनाव के समय ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सीएए और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव क्या पारित किया। जेडीयू के प्रशांत किशोर कुछ इस तरह उछलने लगे मानो कांग्रेस ने उनके दबाव में ही आकर ये प्रस्ताव पारित किया। सीडब्ल्यूसी की बैठक के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने राहुल और प्रियंका गांधी को बधाई दी। पीके ने खुश होकर ट्वीट किया कि स्पष्ट रूप से सीएए एनआरसी को अस्वीकार करने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी को बधाई। इसके साथ ही प्रशांत ने ये भी बोल गए कि बिहार में ना सीएए लागू होगा और ना ही एनआरसी। लेकिन संसद में जेडीयू ने कैब के पक्ष में वोट किया था और इसके खिलाफ प्रशांत किशोर के बकबक करने पर पार्टी में भी घमासान मच गया था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि नीतीश कुमार मौन रहे। नागरिकता संशोधन कानून के अधिसूचित हो जाने के बाद प्रशांत किशोर अगर ये कह रहे हैं कि इसे बिहार में लागू नहीं किया जाएगा तो ये तय मानिए कि ये सब नीतीश कुमार के सह पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते तो प्रशांत किशोर की इतनी हैसियत नहीं है कि वे अपनी तरफ से लगातार खेल करें। हालांकि सीएए को लेकर नीतीश कुमार की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले पीके नीतीश कुमार पर भी हमला बोला था, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।